ड्रग ले जा रहे हैं जो कि कोलकाता से बेहद करीब है 130 किलोमीटर की दूरी पर है, और वहाँ का नज़ारा हम लोग देखते हैं। उसके बाद आपको मैं आगे का विस्तार से मिगर ग्रुप के बारे में बताऊँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कलकत्ता से हम लोग परमेश्वर बस में जा रहे हैं। ये देखिए मेरे पीछे में है परमेश्वर, जो कि सबसे लास्ट 11:45 में ये बस उतरी है। उसके बाद हम लोग सुबह 5 बजे दीघा उतरेंगे, उसके बाद क्लियर कर आगे देखते हैं। जैसा कि देख सकते हैं 1:30 बज चुका है और हम लोग कोलाघाट पहुंचे हुए हैं। तो यहाँ पे हमारी गाड़ी रुकी हुई है चाय नाश्ता के लिए, देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग 10 मिनट के बाद हमारी गाड़ी आगे बढ़ेगी, फिर देखते हैं हम लोग कहाँ आगे गाड़ी रुकती है। तो ठीक है, यहाँ चाय नाश्ता करके हम लोग हमारी गाड़ी आगे बढ़ेगी। जैसा कि देख सकते हैं हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे, इसी बस से मैं आया था नागेश्वर। अब हम लोग सुबह के 4:30 बजे हैं, थोड़ा चाय वगैरह पी के उसके बाद हम लोग लिख लेंगे बीच की ओर, थोड़ा सुबह हो जाए उसके बाद। जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग दीघा बीच पहुंच गए हैं। ये समुद्र की लहर आप देख सकते, देखिए समुद्र की लहर बहुत जोर से समुद्र की लहर आ रही है। कुछ अभी अंधेरा है इसलिए इतना साफ नहीं दिख रहा है। ये देखिए दीघा का मेन बीच पॉइंट है, यही है बीच पॉइंट दीघा का। ये ओल्ड दीघा पे हम लोग आज खड़े हैं। हे गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे। ये दीघा बीच का नज़ारा है। अभी चट्टान पे पानी अभी बहुत ऊपर है, अभी थोड़ी देर के बाद हम लोग इसमें स्नान करेंगे और बीच का मज़ा लेंगे। और ये हमारे पीछे कुछ सीन वगैरह हैं, ये देखिए आदमी सब वेट कर रहे हैं पानी थोड़ा नीचे उतर जाए। उसके बाद मॉर्निंग टाइम है तो अभी पानी बहुत ऊपर आया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। चलिए स्नान के समय फिर मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा कैसा रहा हमारा समुद्र में नहाने का एक्सपीरियंस। जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग दीघा बीच पे हैं और यहाँ पुलिस सहायता केंद्र भी है जो कि बंगाली और इंग्लिश दोनों में लिखी हुई है। ये बीच का नज़ारा पीछे हमारे बहुत ही मोहक है, और यहाँ होटल वगैरह भी बहुत काफ़ी हैं जो कि जिन्हें आके यहाँ कपल्स वगैरह भी रुक सकते हैं, फैमिली पिकनिक भी मना सकते हैं। बहुत अच्छी जगह है, दिल को मोह लेने वाला ये कुदरत का करिश्मा है।
सरकार के नियम के तहत सीमेंटेड वाले बीच पे नहाना सख्त मना है, तो हम लोग सैंड बीच की ओर बढ़ रहे हैं जिसका नाम है मोहिना बीच। और यह हमारे पीछे अभी भी पत्थर वाले बीच मौजूद है। सैंड वाले बीच मोहिना बीच पे आ गए हैं। ये देखिए, ये पूरा सैंड वाला है जहाँ की आप लोग आएंगे तो स्नान कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ का भी बहुत सुंदर मोहक दृश्य है जो कि आप लोग को लुभाएगा। और ये देखिए कितना मोहक पेड़ का सारा पानी हमारे नीचे आ चुका है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और ये मोहिना बीच है जहाँ हम और आप भी आए तो यहाँ का दर्शन जरूर करें, यहाँ नहाएं, नहाने के लिए उत्तम जगह है। उसके बाद इस बीच का मजा लेते हुए मैं फिर वापस कोलकाता निकलूँगा, तो मैं आपको फिर से बता दूंगा कहाँ से गाड़ी मिलती है। यहाँ दो तीन स्टॉप है जो कि आपको कोलकाता ले जाती है। न्यू दीघा है जो एकदम लास्ट में है, उसके बीच में दीघा पड़ता है और ये मोहिना बीच है जहाँ की आके सबसे बेहद मार्केट के करीब आपको ये बीच पड़ता है। चलिए फिर, बाय बाय, हैप्पी जर्नी। कि देख सकते हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम मोहिना बीच पे पहुंच गए हैं जहां आप भी आके यहां स्नान कर सकते हैं। बहुत भी बेहद दृश्य है जो कि आपके मन को लुभाएगा। ये देखिए हमारे पास, मैं वहां बैठा हूं और अभी थोड़ी देर में स्नान करने के लिए समुद्र में उतरूंगा, जो कि ये सैंड वाला बीच है जिसको मोहिना बीच के नाम से यहाँ जाना जाता है। दीघा में नहाने के लिए ये उत्तम जगह है जो कि सरकार ने भी इस बोर्ड को लगाया है कि आप यहाँ सुरक्षित स्नान कर सकते हैं और अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इसी के साथ मैं भी अब जा रहा हूँ इसमें स्नान करने, और आशा करता हूँ आप भी यहाँ आके यहाँ का जरूर ये दृश्य देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी जर्नी। मोहिना बीच पे हैं और यहाँ सुबह का दृश्य बहुत ही मनभावक है। ये देखिए अभी यहाँ पे सैंड वाले बीच पे हम लोग आ गए हैं जो कि मोहिना बीच है, और मोहिना बीच पे हम लोग अभी स्नान करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग दो तीन बीच का दृश्य देखते हुए फिर वापस कोलकाता निकलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी जर्नी। गाइस देख सकते हैं हम लोग मोहिना बीच पहुंच गए हैं और यहां का दृश्य बहुत ही अद्भुत है और सुहाना है। ये सुबह का टाइम है जो कि यहां अभी एक भी भीड़ नहीं दिख रही है, नहीं तो दिन के टाइम में यहां बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। और यहीं पे सारे को ये स्नान करते हैं क्योंकि ये बालू वाली है, चट्टानों वाले ये बगल में हैं जो कि यहां पे सख्त निर्देश किया गया है सरकार द्वारा कि यहां कोई ये स्नान नहीं करेगा। और ये बीच पे हम लोग स्नान करेंगे, ये जो कि मोहिना बीच है, और पीछे का दृश्य जो है बहुत ही लुभावक है। उसके बाद स्नान करने के बाद फिर हम लोग दो तीन बीच और भी विजिट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, बने रहिए प्रशांत के साथ दीघा बीच के टूर के लिए। धन्यवाद। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? और ये मैं मोहिना बीच पे हूँ जो कि यहाँ का बेहद मोहक दृश्य है। और ये पूरा सैंड वाला जो बीच बोला जाता है, यहाँ पे स्नान बहुत सारे लोग करते हैं। अभी सुबह का टाइम है इसलिए यहाँ कोई अभी मौजूद नहीं है। और मैं वहाँ से उस टीले से चलते चलते बहुत आगे तक आ गया हूँ, लेकिन कुछ आगे मुझे दिख रहे हैं लोग ना स्नान करते हुए। तो चलिए हम लोग भी चलते हैं वहाँ पर, फिर आपको वहाँ का भी दृश्य दिखाते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, फिर मिलते हैं।
जैसा कि आप देख सकते हैं, हम उस जगह पे आ गए हैं मोइना बीच पे, जहाँ के सारे कोई नहा रहे हैं। मैं थोड़ा इधर ही हट के नहाऊंगा क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। ये आपको दूर लग रहा होगा लेकिन ये बहुत ही मोहक दृश्य है। ये देखिए, चलिए दीघा बीच का हमारा सफ़र ख़त्म हुआ। अब हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे जल्दी आपसे। तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी जर्नी। आप लोग भी ज़रूर आइए और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू। दीघा बीच का नज़ारा, दीघा बीच बहुत ही फेमस बीच है और यहाँ का ये मोहिना बीच इससे भी ज़्यादा बेहतर है। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। ये दीघा बीच का नज़ारा, सारे दीघा बीच बहुत ही फेमस बीच है और यहाँ का ये मोहिना बीच इससे भी ज़्यादा बेहतर है। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और भाइयों कैसे, चलिए अब दीघा से इत्तेफाक में आया था उसी बस से फिर वापस जा रहा हूँ। चलिए, हैप्पी जर्नी। आप सबका वेलकम।